ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है वो इन अटैकिंग रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अस एन इंटरमीडिएट, और वो जो इंटरमीडिएट है फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज इंटरमीडिएट्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल. सो इंटरमीडिएट्स हमने तीनों तरह के करके चार तरह के करे इनफैक्ट. वन वॉज फ्री रेडिकल, वन वॉज कार्बोकेटायन, वन वॉज कार्बेनायन एंड वन वॉज कार्बीन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स दे आर फ्री रेडिकल्स. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस. तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अटैकिंग रिएजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह भी बिहेव करते हैं बिकॉज दे आर हाईली हाईली रिएक्टिव. ठीक है. सेकेंड टाइप जो हमारे पास आएंगे दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? फाइल ओवर हियर इज लविंग, राइट? सो इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. ठीक है. दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का मतलब क्या होगा कि उनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं. सो देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species, right? Electrophiles, they will be known as electron deficient species. जो electron deficient species होते हैं, they are of two types. The first type is all those which have insufficient or incomplete octet, right? All those which have insufficient or incomplete octet, they all will be taken as electrophiles. Jaise for example, we have AlCl3, right? Ab AlCl3 mein kya hai? Ki it has only 6 electrons in the outermost shell, 2 electrons usko aur chahiye to complete its octet. So this is an insufficient or incomplete octet and this is going to behave as an electrophile. Theek hai? Same is the case with BF3, right? And same is the case with SO3. So ye sare ke sare insufficient octet wale neutral species hai, right? Second type of electrophiles, they are all positively, all the positively charged species, they also come under electrophiles. ठीक है. जैसे for example, हमारे पास हो गया H positive, we have H3O positive, we have NH4 positive, which is known as the ammonium ion. H3O positive is known as hydronium ion. ठीक है. फिर उसके बाद we have Cl positive, chloronium ion, Br positive, NO positive. ठीक है. So जितने भी positively charged species होंगे, NO positive that is known as nitronium ion. ठीक है. These all are going to come under this. Now we have just studied R positive. So that is also an electrophile. Carbocation जो हमने अभी पढ़ा था, so that also behave as an attacking reagent. Now because ये सारे के सारे जो है, they have a tendency to accept electrons, therefore these are also known as Lewis acids. According to the Lewis concept of acids and bases, Lewis acids are those which have a tendency to accept electrons. So, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, therefore they are going to behave as what? They can behave as Lewis acids. ठीक है? फिर थर्ड टाइप जो हमारे पास आता है, they are known as neutral
न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स क्या हुए? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. न्यूक्लियस लविंग, राइट. सो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देयरफॉर दे आर ऑल्सो सेड टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज. दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है. अब ये वाले जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स. द फर्स्ट काइंड आर दोज न्यूट्रल स्पीशीज विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ऑल दोज न्यूट्रल स्पीशीज विच आर गोइंग टू हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव NH3. NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. वी हैव वॉटर, देन वी हैव एल्कोहल्स, ठीक है. देन वी कैन ऑल्सो हैव ईथर्स. सो ऑल दोज विच हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स विच वी हैव, दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. All the negatively charged species. जैसे for example, हमारे पास आ गया cyano, we have OH negative, we have Cl negative, we have Br negative. ये सारे जितने भी negatively charged species हैं, they all are going to be nucleophiles. ठीक है. अब क्योंकि ये सारे के सारे इनमें tendency है to donate electrons. We have written over here that they have the capability or capacity of electron donating. Because they all donate electrons, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं? They are known as Lewis bases. ठीक है. What are they known as? They are known as Lewis bases. So electrophiles क्या हो गए? Lewis acids. और nucleophiles क्या हो गए? Lewis bases. वन मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा MCQs में इस वाले सेक्शन में से आता है. राइट. नाउ वी हैव डन ऑल, वी हैव डन अटैकिंग रिएजेंट्स, वी हैव डन इंटरमीडिएट्स. नाउ लेट्स सी कि ये रिएक्टिंग जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या सबस्ट्रेट है उसके ऊपर ये अटैकिंग रिएजेंट्स किस तरह से अटैक करते हैं. क्योंकि जिस तरह से ये अटैक करेंगे और जिस तरह का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमारे पास प्रेजेंट रहेगा उसी तरह की रिएक्शन. Right? So the last topic of this chapter is types of reactions. The last topic which we are going to do types of reactions. The first type of reaction, they are known as substitution reactions. क्या होते हैं substitution reactions? पहले लिखो, the reactions in which an atom or group of atoms in a molecule is replaced or substituted by different atoms or group of atoms. Different atoms or group of atoms. ठीक है. जैसे for example हमारे पास है CH3Br, इसको हम react करते हैं with aqueous KOH. तो ये वाला जो एक यहाँ पे
ग्रुप प्रेजेंट है और एटम प्रेजेंट है विद द कार्बन चेन जो कि इसको लीव करेगा. दिस इज नोन एज द लीविंग ग्रुप. ठीक है, और ये जो OH है नेगेटिवली चार्ज होता है. दिस इज गोइंग टू बी द अटैकिंग रिएजेंट. So, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसको सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी CH3OH प्लस KBr. सो यू कैन सी ओवर हियर कि अ ग्रुप ऑफ एटम हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर ग्रुप. सच रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट. अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री डिपेंडिंग अपॉन कि अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल. सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस दे आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, दे आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. फिर उसके बाद अगर सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे सो उसे हम क्या बुलाएंगे. That will be known as electrophilic substitution, right? जैसे for example हम लोग एक benzene ring ले लेते हैं जिसके ऊपर एक chlorine present है. अगर हम इसको react करें with chlorine in presence of say FeCl3, ये सारे रिएक्शंस आप करोगे आगे आगे जैसे जैसे हम क्या कहते हैं अपडेशन करते रहेंगे चैप्टर्स की, कुछ इस साल और कुछ अगले साल, राइट. सो जब हम ये वाली रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. आपको पता है जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा था तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आया था ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए ये भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही अटैक करेगा. सो वी हैव क्लोरीन क्लोरीन. सो यहां पे बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग therefore this is known as electrophilic substitution reaction. In a similar manner free radical substitution reaction bhi hoti hai, the third type. Free radical substitution. Now in this case a free radical that is going to attack. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डूइंग अ रिएक्शन ऑफ दिस काइंड. सो अभी मैंने आपको बोला था कि जो क्लोरीन है वो उसको हम लाइट एक्सपोज करते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स में डिवाइड हो जाता है, राइट. सो हमारे पास ये क्या आ गया. ओके, सो हाउ द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म. इस तरह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं. ये वाली रिएक्शन हमने डिटेल में इसका मैकेनिज्म करना है नेक्स्ट वाले चैप्टर में. ओके, सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी हैव दे आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस. देखो क्या होता है एडिशन रिएक्शंस. द ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन व्हिच टू मॉलिक्यूल्स react to form a single product. Two molecules react to form a single product having all the atoms of the combining units. ठीक है, ये जो addition reactions होती हैं they generally take place in मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स, राइट. जैसे हमने ऊपर क्लासिफाई करी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह से अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड करे
करेगा तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाएंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाएंगे, और अगर फ्री रेडिकल करेगा तो इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. एन एग्जाम्पल विच वी कैन टेक ओवर हियर इज कन्वर्जन ऑफ CH2, इसके साथ हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट. ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करते हैं और डबल बॉन्ड हट जाता है. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर. बोथ द हाइड्रोजन दे हैव अटैच्ड. इट इज नॉट एसेंशियल कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड ही एडिशन रिएक्शन होती है, सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एल्डिहाइड ले लिया डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, प्लस वी हैव एचसीएल, राइट. अब यहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को डीलोकलाइज हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है. अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इट विल अटैक एट द कार्बन. सो वी गेट एन एडिशन प्रोडक्ट, बुलाते हैं हम इसको दिस. This is what we are going to get. Oxygen के ऊपर negative charge है, तो ये hydrogen इसके ऊपर चला गया और इसके ऊपर ये आ गया, ठीक है. This is known as what? This is known as cyanohydrin. Okay? So addition reactions कोई सिर्फ C double bond C के ऊपर ही नहीं, it can also take place on C double bond O. It can also take place on C triple bond N. So, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि there is a multiple bonded system present, वहाँ पे addition reaction होती है, ठीक है? Then the third type of reaction which we have, that is elimination reactions. The third type of reactions which we are going to study elimination. Elimination का मतलब क्या हुआ? अब यहां से कुछ eliminate होने वाला है, कोई molecule या group of atoms carbon की chain को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? So write down what is elimination reactions. The reactions in which two atoms or groups of the molecule are removed, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ मॉलिक्यूल दिस इज ब्रोमो इथेन, है ना, अगर हम इसको रिएक्ट करें विद एल्कोहलिक OH, So, यहां पे ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है ये दोनों छोड़ देते हैं मॉलिक्यूल को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट. Right, so what are we getting over here? We are getting an alkene. Okay, so yahan se H or Br, they have left this thing. This is known as what? It is known as elimination reaction. Elimination reaction is of the following three types. The first one that is known as alpha elimination. Alpha elimination mein kya hoga? You can write down. In this, the loss of two atoms or groups occurs from the same atom. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव R2C,
ओके और यहाँ पे हमारे पास आ गया वी आर हैविंग वन हाइड्रोजन एंड वन सीएल. सो इस वाले कार्बन एटम से ही हाइड्रोजन भी छोड़ेगा और क्लोरीन भी छोड़ेगा. बोथ आर गोइंग टू लीव फ्रॉम द सेम राइट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर व्हेन एच इज ऑल्सो लीविंग एंड दिस इज ऑल्सो लीविंग. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट राइट. और ये क्या होता है, दिस इज अ कार्बीन. हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था. ओके दिस इज अल्फा एलिमिनेशन. सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन में जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल यहां पे किया कि अगर ये अल्फा कार्बन एटम है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज द बीटा कार्बन एटम. सो एक जो है अल्फा से निकलेगा और दूसरा बीटा से निकलेगा. ठीक है, सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन. लिखो इसमें इन दिस द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स occurs from the adjacent positions. Occurs from the adjacent positions. That is from alpha and beta. That is from alpha and beta. Right? Then the third type of elimination which we have, that is known as gamma elimination. The third elimination that is gamma elimination. So, likho kya hoti hai gamma elimination. In this, the loss of two atoms or group of atoms occurs from three bonds. Three bonds away. ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, जैसे हमारे पास वी हैव दिस दिस काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल विच वी हैव. ठीक है, यहां पे बी आर है और यहां पे भी बी आर है. नाउ दिस इज अल्फा कार्बन एटम, दिस इज बीटा कार्बन एटम एंड दिस इज गामा कार्बन एटम. तो गामा एलिमिनेशन में एक ग्रुप ऑफ एटम्स अल्फा से निकलता है और दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स गामा से निकलता है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, एडजेसेंट से निकल रहा था ना, और उसमें एडजेसेंट से अगले वाले कार्बन से निकलेगा, बट दैट इज द थर्ड कार्बन एटम. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर, यहां पे माइनस बी आर टू निकल गया एंड वी हैव this is what we are going to get, a cyclopropane. ठीक है, so this is the third type of reaction. The fourth type of reaction which we have, they are known as rearrangement reactions. The fourth type of reaction they are known as rearrangement reactions. रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, पहले लिखो, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स टू अनदर पोजिशन, टू अनदर पोजिशन विद इन अ मॉलिक्यूल, to another position within a molecule. ठीक है, so now what is happening over here is कि जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, अगर हम इसको react
करते हैं विद एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास आ जाएगा CH3CH, राइट? दिस इज नोन एज ब्यूटेन एंड दिस इज नोन एज 2-methyl प्रोपेन. ठीक है, सो बेसिकली जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है उसमें आप देख रहे हो कि आइसोचेन आइसोमर बन रहा है. सो वन ऑफ द ग्रुप इट रीपोजिशंस इटसेल्फ टू अनदर पोजीशन इन द सेम मॉलिक्यूल, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच वी हैव दे आर नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शंस. क्या होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस? यू कैन राइट डाउन, इन दीज रिएक्शंस टू डिफरेंट और सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स कंबाइन विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ with or without elimination of a simple molecule to give a product. Right? Now, इसमें basically condensation reaction में क्या होता है कि दो molecules react करते हैं to give us another molecule. अब इसमें या तो कोई एक छोटा molecule निकल सकता है और बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल उसमें से निकलेगा नहीं. एन एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक ओवर हियर इज, जैसे ही हमने ले लिया ये, दिस इज इथेनॉल, राइट? वी आर टेकिंग अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल ओवर हियर. दो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने मिक्स करे. सो अब यहां पर क्या होता है कि लेट्स से इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूं CH2H. ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां चला जाता है. ओके, क्लियर हो गया? ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां चला जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो रहा है. सो जब ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यही छोड़ के जाएगा. तो ये यहां पर इजिली अटैक कर सकता है. एज अ रिजल्ट व्हाट आर वी गोइंग टू गेट एज अ प्रोडक्ट? CH3C, ये हाइड्रोजन यहां चला गया. OH, CH, CH2, CHO. This is known as 3-hydroxybutanol. We have 1, 2, and 3. ठीक है? So the molecule is known as 3-hydroxybutanol. तो अब इसमें हुआ क्या है कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स से वो दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल दे देते हैं. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट? द लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी हैव, दे आर नोन एज आइसोमराइजेशन रिएक्शंस. द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच वी हैव, द लास्ट वंस, दैट इज रिएक्शन नंबर 6. We have isomerization reaction. जो isomerization reaction होती है, पहले define करो क्या होती है. These involve interconversion of isomers where the molecular formula and the carbon skeleton of reactants and products always remain same. Always remain same. ठीक है? ये जो isomerization reactions हैं, they are very common in
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया था हमने। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास है ब्यूटीन, सो ब्यूटीन में इफ द सेम मॉलिक्यूल्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड देन दिस इज नोन एज ट्रांस आइसोमर, दिस इज नोन एज ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। और अगर हम इसको एक्सपोज करें टू यूवी रेडिएशन एच न्यू, सो दिस ट्रांस ब्यूटीन विल बी कन्वर्टेड टू सिस ब्यूटीन, सो सिस ब्यूटीन में वी आर हैविंग सेम ग्रुप्स एट द सेम साइट, ठीक है। Is it clear? So these are isomerization reactions. So we have done six type of reactions over here. The first one which we did was substitution. Second is addition. Then third elimination. Fourth हमने कौन सी करी? The fourth one we did was rearrangement. Then condensation and then isomerization. ठीक है? So with this we finish the first half of this chapter. The second half of this chapter, that is purification of organic compounds, that we will start tomorrow.